भाई साहब पैकअप करेंगे ओके रोलिंग। आज आप पिक्चर देखी जा रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, लेकिन बहुत सारे चर्चे हैं पिक्चर के, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है। जी जी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? नहीं, मैं इसलिए मैं भी देखना चाह रहा था कभी काफ़ी अरसे से। मैं फिल्म देख लूँ तो मुझे अंदाज़ा होगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं और वो अपनी बात हमारे सामने रख रहे हैं, ये अच्छी बात है। नहीं, मैंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखी, उसकी बड़ी तारीफ सुनी थी मैंने, लेकिन मैं देख नहीं पाया, तो ये सेकंड पार्ट देख रहा हूँ। अच्छा, इस बार लोगों को सेकंड पार्ट अच्छा लगा ज़्यादा, अच्छी बात है, ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ, कुश्ती आजकल मैं सीख रहा हूँ। हमारे ट्रेनर जो हैं वो नेशनल लेवल के कोच हैं, उनसे मैं सीख रहा हूँ, कृपा जी, और बड़े अच्छे कोच हैं वो। और मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है ये कुश्ती के लिए बहुत अहम फिल्म है, हिंदुस्तान में कुश्ती को पॉपुलराइज करने के लिए यंगस्टर्स में, बच्चों में, तो इसमें कृपा जी का बड़ा योगदान होगा। हाँ हाँ, हमने हाँ वो ट्वीट किया था। टीज़र मैंने अभी तक देखा नहीं है, आप लोग ने देखा है? रिलीज हो गया, तो मैं फिर आज रात को देखूँगा, लेकिन उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा ट्रेलर होगा, बहुत ही अच्छी फिल्म होगी। सभी को इंतज़ार है बजरंगी भाईजान का, सभी को इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है। नहीं, अभी तक नहीं, अभी अभी नितिश जी ने किसी को फाइनल नहीं किया है वाइफ के रोल में, तो अभी कास्टिंग चल रही है, देखते हैं। आपके दिमाग में कोई है कि हाँ? नहीं, मेरे दिमाग में कौन, जो डायरेक्टर के दिमाग में होगा मैं कहता हूँ। थैंक यू सो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है आज कि मुझे ये मौका मिला है मार्केड विद द स्ट्रोक का ट्रेलर रिलीज़ करने के लिए। ये फिल्म मैंने देखी क्योंकि मेरी पत्नी किरण जी ने ये फिल्म देखी और उन्होंने बेहद पसंद आई, इतनी पसंद आई उनको कि उन्होंने मेरा जीना आराम कर दिया। वो रोज़ कहती थी कब देखोगे कब देखोगे कब देखोगे, तो अल्टीमेटली मैंने वक्त निकाल के फिल्म देखी और मैं सोचा था इतनी क्या खास होगी यार फिल्म, तो जब मैंने फिल्म देखी आई वाज जस्ट ब्लोन है। इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है शनानी ने, इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है। ये फिल्म आपका दिल जीत लेती है, इसमें आपको हर रंग मिलेंगे, हर एक डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, हर एक आर्टिस्ट ने बड़ा अच्छा काम किया है, और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम हमारी हिंदुस्तानी फिल्म, इतनी कमाल की फिल्म हम बना सकते हैं, हमारे यंग डायरेक्टर्स जैसे शनाली हैं इतनी बेहतरीन फिल्म बना सकती हैं। ये सचमुच एक बहुत ही फ़ख्र की बात है हम सब के लिए। I can't tell you how deeply grateful and honored I am, because as you know that if I had to choose anybody, not just in our country but in the world, and I told you this when you watched it, to present my film, to present the first look to the country of the film, I would choose you, because I feel you not just stand for what is best in Indian cinema as an actor and as a producer and as a director, but also you've shown that with the issues you stand for in the program you've done. And some of the things have intersected with our film on sexuality and disability. So I'm really, really over the moon when you said you could make time. And it's very generous of you to make the time and come here for my film. So thank you for that. तारीख को रिलीज़ हो रही है। मैं सबसे कहूँगा जाके देखें, बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है। इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म एंड वी शुड सपोर्ट फिल्म्स लाइक दिस। आई रियली एंजॉय द फिल्म अ लॉट एंड आई रियली होप इट डज वेल एंड पीपल गो एंड वॉच दिस। हम अभी एक फिल्म देख के आए हैं, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, इसका नाम है कोर्ट और बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। आई थिंक 17 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म का नाम है कोर्ट। इसको नेशनल अवार्ड भी मिला है, इसी साल मिला है नेशनल अवार्ड। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, मुझे इतनी पसंद आई। जो एक सच्चाई होती है ज़िंदगी की वो दिखाई है फिल्म के अंदर और आई फाउंड इट वेरी मूविंग एंड वेरी पॉइग्नेंट। दिल को छू लेने वाली फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म, मुझे बहुत अच्छी लगी। और माय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। हर आर्टिस्ट ने इतना अच्छा काम किया है, डायरेक्टर ने इतना अच्छा काम किया है, हर डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है और बहुत ही मतलब जो सच्चाई है हमारे देश में, हमारे समाज में, वो हमें क्या कहना चाहेंगे? आज ग्रैंड प्रीमियर रखा गया है यश याद में और जब तक है जान लास्ट फिल्म कहीं लास्ट फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से याद करेंगे उन्हें आप एज अ फिल्म मेकर? ये दिन बड़ा खास है हम सबके लिए और वेरी कीन टू सी दिस फिल्म। यश जी की आखिरी फिल्म है और यकीनन बहुत ही खूबसूरत फिल्म होगी और मेरी शुभकामनाएँ, किरण और मेरी शुभकामनाएँ पूरे टीम को। हमारी दुआ ये है कि ये फ़िल्म बहुत ही कामयाब हो, जितनी फ़िल्में यशराज ने बनाई हैं उन सब के।